रोती जा रही है। जो दुखिया ने अपनी झोपड़ी को खोला बाबू, आज राजा उत्तन पाद घोड़ा लिए खड़े हुए नजर आए। और जो राजा उत्तन पाद ने घोड़ा से नीचे उतर करके दरवाजे पे आवाज लगाई, मैया ने दे दे दरवाजे को खोला। जो प्रिया को सामने देखा, भाग करके जाकर कर इस तरह से पैरों में गिर गई जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष एक जमीन पे जाकर के गिर जाता है, ऐसे ही अपने प्रिया के पैरों में गिरी। और जवाब दिया, प्रिया मैं समझ रही हूँ, एक महात्मा के कहने से मुझे जीवन दान द्वारा मिल गया था, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। राजा उत्तानपाद बोले, खेलना क्या चाह रही हो देवी? ना, बोले नहीं प्रिया, मानने से पहले एक बात सुनो ना। सुनीति ने जाकर के अब प्रिया के चेहरे को तक नहीं छोड़ा लोगों, लेकिन हाय हाय कवियों ने बड़ी बड़ी सुंदर कल्पना की। आज इस तरह से बंधुओं पूरी रात यही वार्तालाप होते होते और सवेरो होते ही होते, आज जैसे ही घंटा वाले ने घंटा बजाओ, मैया का घंटा भाई पे झुझला लगा। मेरे भगवत प्रेमियों, जो मैया का घंटा वाले पे झुझलाई और जवाब दो,
मेरे भगवत में समय व्यतीत होने के बाद में वार्तालाप होगा। घंटे वाले ने जो घंटा बजाओ मैया बाप झोझलान लगी और जवाब दो है कि मतलब कोई बात नहीं, ओरे बनवारे मोरी गरीबनी जैसी की रात थी, आज तूने अपना घंटा भी बजा दिया। और महाराज बोले देवी मैं चलता हूं, आगे अगर इसी तरह से मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे बीच लौट करके फिर आऊंगा। राजा घोड़ा पे सवार होकर के लौट के आए और इधर मैया वो नागिन जो रहे नागिन यानी सुरची इंतजार कर रही थी दरवाजे पे और चीखने लगी और चीख करके जवाब दिया, महाराज जी बताओ हम सारी रात जब दरवाजे पे बैठे रहे तुम पूरी रात रहे कौन जी बताओ को कहना क्या चाह कहवे को मतलब जी है हम पूरी रात जब दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करते रही लेकिन तुम अभी तक नहीं आए, अब सुबह होते ही आए और कहाँ रहे पूरी रात जी बताओ। राजा उत्तन पद सोच लगे कि जा नारी जाति से जितने दबाव उतना ही सर्व सवार होती चली जाती है, जितनी दबाव उतना ही सर्व सवार होती चली जाती है। भाई समय बंधु एकदम कहने लगे हो अगर तेरे द्वारा ये बात कहने की कोशिश कर ली ना तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार देंगे काट देंगे। दोबारा की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा रोज रोज यही बात करूंगी लेकिन जी बताओ तुम गए कौन है जी बताओ, सारी रात रहे तो रहे कौन, मो तो मालूम है तुम कौन गए हो, मैं तो क्लियर मालूम तुझे मेरी बड़ी रानी का कष्ट है मार देना उसे माल सुन ज्यादा मोह तुम चिल्ला चिल्ला के समय व्यतीत होने के बाद महाराज परिचित वो दोनों रानियां जो थी गर्भ की तरफ पैर बढ़ाना शुरू हो गई। इधर धीरे 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 समय पूर्ण हुआ, प्रसव का समय आया तो दोनों के उदर से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की
अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बधाइयां बध रही है किन गया जो छोटी वाली के पुत्र पैदा हुआ उसके घर में हैं, क्योंकि वो पैसे वाला गए हैं और गरीब के घर कोई नहीं गया। सुरची के लला की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां बध रही है। ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मणों ने बच्चे का नाम कर संस्कार कर दिया, तो छोटी वाली के पुत्र का नाम क्या है? उत्तम। लेकिन भैया बोल लीजिए एक छोटा सा यानी दो लाइन का कीर्तन।